सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल खैरियत से ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक डांग होंगे, लश फश होंगे, फिट फाट होंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं पूछ रहे होंगे आप लोग कि भाई बिलाल भाई सुबह सुबह किधर? भाई मैंने बोला वहाँ आ जाता हूँ जहाँ पे अपनी जिंदगी की मैंने 4 साल जाये किए। बख्तियार भाई आया हमारे साथ, मेरे दोस्त, इसका एक छोटा सा काम था तो आया मुझे घर से उठाने के लिए, कहा चलो यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं, सभी चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। ये भी एक टाइम हुआ करता था, शायद आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स में देखा था कि तुम्हारा भाई आता था गाड़ी में डायरेक्ट अंदर जाता था। ये भी एक टाइम तुम्हारा भाई रोडों पे जलील हो रहा है, बस ऐसे तो नहीं होता है, टाइम टाइम की बात है, देख लो भाई। गाइस हमें कौन मिले, मेरे वो सपोर्टर, वो भाई मेरा जो मेरे हर स्टोरी पे इतने दुआएं देने वाले और हर पोस्ट पे कमेंट करने वाले और हर चीज़ को लाइक करने वाले और मोटिवेट करने वाले, मुबशर भाई। मुबशर क्या हाल है? अरे सर ठीक ठाक हो, मजे में, फिट हो, यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है? ये भी कोई जगह आने के लिए ये मजबूरी से आ रहे हैं, मैं तो इसकी खातिर है, अभी तो बुला के आता था मैं भी यार, मैं बस क्लास खाते आया हूं। अच्छा, बस आप ना क्लास और फिर तो खैर खैर, अच्छा मजे में। गाइस बिग लव फॉर मुबशर भाई। गाइस ये अभी यूनिवर्सिटी का ये फ्राइज और बर्गर वगैरह खा रहे हैं। यार भैया तुम क्या क्या ला रहे हो यार? ये भी कोई खाने की चीज़ें, अभी ये खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बोर हो गया और मुझे तो कसम से नींद आ रही है यार। गाइस अभी अल्लाह के घर चलते, सबसे पहले अल्लाह को याद करते, उसके बाद फिर बाकी अपने काम शाम करते। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। से करते हैं स्टार्ट। मीर साहब अभी आ रहे हैं। मीर साहब तुम किधर रह गए भाई? आज कैसे कुछ इस तरह के इरादा किए है बुलान जाने का, तो तुम लोग को उतर के दिखाते हैं। पीछे हमारे साथ सफवान भाई, कल इफ्तिताह है, कल नहीं परसों इतवार को इंशाल्लाह हमारे जिम का इफ्तिताह है, तो सफवान भाई भी है। मैंने कहा पहले आज थोड़ा हम लोग अपना वीडियो शूटियोज भी बनाएंगे, तुम लोग को पता है भाई माशाल्लाह एंड लेवल का एडिटिंग करते हैं, तो अभी चलते हैं, सामान वामान भी उठाते हैं, खाने पीने की और चीज़ें भी देखते हैं। मीर साहब तो बचोन लेट करता गया, चोन ख्याल आवाज मीर जोड़ता, ये 6 बजे जुड़ता गए, ये क्या उठा है मीर? छक्का मक्का उठाया है। अरे यार मीर साहब अभी पहुँचे, गुड मॉर्निंग मीर साहब, टाइम क्या हो रहा है यार? 4:26 हो रहे और आप अभी उठे हो? चलो इसको बंद करके बिस्मिल्लाह करके बंद करो, चले खाने पीने के। सगैज अभी शफ्तालू हो गया, अंगूर वगैरह उठाएंगे, तरबूज वगैरह उठाएंगे। तो ये शम्स भाई भी है, शम्स भाई सलाम करो सबको और ये बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करो। जान सैद बिलालो का चैनल जो है सब्सक्राइब करो। हाँ गुड, ये अभी फ्रूट वगैरह उठाएंगे फिर चलते हैं। आज का सीन है बोलांग का तरफ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई, अब मैं हूँ, शम्स भाई है, सफवान है, आसिफ भाई है, मीर साहब से आप लोगों को मिला लिया। कितने टाइम बाद हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, आखिरी पता नहीं, फरहान नहीं है, फरहान नहीं है, हम लोग का एक दोस्त है, वो नहीं है, वो थोड़ा बिजी है, उसका ऑनलाइन जॉब लग रहा है। मामा जी तुम क्या बोल रहे हो? मेहरबानी मेहरबानी। तो अभी चलते हैं फ्रूट वगैरह उठा के बोलांग की तरफ चलते हैं। सो गाइस अभी ये उठाते हैं, इधर से मटन उठाते हैं कबाब के लिए, तो उधर से डेढ़ किलो जो चिकन भी उठाते हैं साथ, उसको बोटी बोटी करके फिर इधर कबाब का सीन करते हैं अपना। ये चिकन भी उठा गया, अभी चलते हैं। हाँ सफान इसको अपने साथ पकड़ो, चलो गाड़ी में रखो। ख्याल करो डिक्की नहीं लग जाए, टूट नीचे। चलो बिस्मिल्लाह, आराम से भाई। यार गंदा वाला भूख लगा था मैंने मीर साहब को, मैंने कहा पकौड़े भी उठाते, पकौड़े भी उठाए, उधर से रोटी भी उठाते, भूख ज़्यादा लगा हुआ है, अभी इसको बनाते उसके बाद चलते गाड़ी में अंदर खाते। भाई ये तरतीब है तुम लोग का भाई, तो फुल देसी पकौड़ा मकौड़ा सारा दामन में रखा है उसके बाद खा रहे भाई, कोई ये सिस्टम नहीं है तुम लोग का भाई, फुल देसी है, पीछे भी ये तरतीब चालू है, सारा लोग यार जो देसी है भाई, इधर गोश्त में रख के खाते हैं। ये फिलहाल ये सरियाब से निकल गए, तकरीबन सारे कच्चे मच्छे गुजर गए, अभी इसको खाते फिर आगे चलते।
सो गाइज अभी ये माशाल्लाह होटल पे हम रुके, ये बिल्कुल फैसल मस्जिद के एजिटिस बनाए इन लोगों ने। अभी माशाल्लाह होटल पे रुके, अभी हम लोग जिधर हम लोग का पॉइंट है अभी उधर चलते, फिर उधर बैठ के बारबेक्यू वगैरह भी बनाना है, टाइम कम है, नमाज भी कज़ा हो रहा है, तो चलते हैं। शाह गाड़ी निकाल रहे हैं, ये आप लोग मस्जिद देख लो माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। सो गाइज फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। अभी इधर अपना चीज़ें वगैरह उतारते यार, थक गए यार, चीज़ें वगैरह अपना उतारते, गाड़ी से लोग चीज़ें उतार रहे हैं, तो उसके बाद जो है तुम लोग का भाई जो है फिर शेफ भी है, तो बनाएंगे फिर कबाब शबाब बारबेक्यू वगैरह बनाएंगे। फिलहाल चीज़ें वगैरह उतार के इधर कोई नरम वाली फर्श पर ऐसे चीज़ें वगैरह रख के अपना सीन करते हैं। माशाल्लाह यार ये वाली गाड़ी नहीं है, मतलब चीज़ें वगैरह उतार दिए, गाड़ी बंद करके अभी अपने चीज़ें रखते, उसके बाद मैं और मोहम्मद आसिफ जो है अपने बारबेक्यू के लिए जगह ढूंढते, फिर उसके बाद एक दो दुआ तो जो है भाइयों के साथ आज लूडो का भी। फिलहाल इसको रोको इधर, ये भाई किधर जा रहे हैं, चाय के लिए भी जो है थोड़ा कोयले का टेक्निक वेक्निक बराबर करते। जब भी आ जाओ ना कोई ऐसा ना दो पत्थरे पैसे रखो, कोयला मैला रखो, बस इसको आग दे, ऐसे काम करती बराबर है। अभी कोयला मोयला लगाएंगे फिर चाय पकाएंगे फिर रात को देर से बारबेक्यू करेंगे। सो गाइस अभी ये चक्का मक्का स्टार्ट हुआ है, उधर चाय में पक रहे ये सारे ड्राई फ्रूट वगैरह। तुम लोगों के भाई का सबसे पहले वारी पे चार गिट्टी निकल गए तुम लोग, फिलहाल तीन ये तुम लोग का तीन ही दे रहे, तुम्हारे इस भाई का चार ही दे रहे। अभी तुम लोग के साथ दो दो बात करते, ये लो चक्का देख रहे फिर ये चक्का ये हो गया चार ये हो गया। गाइस ये आग वाग लगा लिया है, हम लोगों का कबाब वगैरह सारा रेडी है, अभी इसको रखेंगे आग पे, आग तुम लोग के भाई ने लगा लिया। हाँ हाँ स्पेशल अभी सफ़ार मुझे कोई चीज़ दे दो ऐसे बिछाने के लिए, कोयला बिछाने के लिए मुझे कोई चीज़ पकड़ा दो। चक्के आ रहे दो चक्का हार गया तुम लोग का भाई, ये मचे के लेकिन हार गया है। ये लाइट लगाया दूसरा इधर गाड़ी में, ये देखो हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर लेजेंड बिलाल हमारे लिए फारी कर रहे हैं, कबाब बना रहे हैं। गाइस कबाब वगैरह सारा पक गया, लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई लोग चिकन लेकर आए थे लेकिन उसका मसाला और दही वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए थे, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने जुगाड़ किया ऐसा करके सात बंदे से जो गरम मसाला लिया ये उसके ऊपर डाल के फिर भी हम लोगों ने पकाया। ज़रा एक लुक दिखा दो, एक लुक ये भी दिखा दो, दूसरा बंदे ने दही नहीं लाया दही में कुछ भी नहीं था, बस फिलहाल गुजारा वाला पिकनिक था इंशाल्लाह। तो तुम लोगों को जो है अपना कुकिंग वाला जो सीन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पिकनिक पे तुम लोगों को दिखाऊंगा कि बिलाल कैसे पकाते हैं। वैसे वापस जाने की तैयारी लेकिन तुम लोग के भाई के जो है पता नहीं शोल्डर ये बैक साइड पता नहीं क्या रंग छड़ गया, अल्लाह की कसम ना हिल सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ ना तो मूव कर सकता हूँ, बहुत ही गंदा दर्द है, पता नहीं क्या हो गया अचानक। खैर मैं बल्ला की कसम खाना खाने के बाद ये लोग अपना लूडो के तो मैं तो सोया हुआ था पता भी नहीं चला, तो बस अभी चलते हैं यार ये गाड़ी वाड़ी स्टार्ट कर लिए इस घर की तरफ चलते हैं। थोड़ा मालिश करते हैं। सो गाइस इस वाले ब्लॉग को एंट्री करते हैं एंड जैसे आप लोगों को बताया था कि मेरे कमर में दर्द है तो वो अभी तक किसी तरह है दर्द, खैर रात को अलदा से मालिश करवा लिया था लेकिन अभी इसके ऊपर जामा भी कराऊंगा इंशाल्लाह शायद उससे सेट हो जाए, बाकी देखते अगर नहीं हुआ फिर किसी प्रोफेशनल बंदे को दिखाऊंगा। सो अला का ब्लॉग करते हैं इसी जगह पे एंड, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह के बाद।